हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, एक बिग अपडेट है। बिग अपडेट ये है कि SOL ने, DU SOL ने एक PG डिप्लोमा के अंदर एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है और इसको आज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फाइनली। तो आज मैं इसी कोर्स के बारे में आपको बताऊँगा कि SOL ने जो न्यू कोर्स लॉन्च किया है इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, फीस क्या रहेगी और इस कोर्स के करने क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो SOL ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है PG डिप्लोमा इन ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिसे PGDADDLM इसे बोला गया है शॉर्ट में। और जरा देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में कि इस कोर्स को करने क्या बेनिफिट है और इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप PG डिप्लोमा करना चाहते हो, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी वही, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो अगर मैं इस डिप्लोमा की बात करूँ तो डिप्लोमा आपका एक साल का है। जी हाँ, एक साल का आपका डिप्लोमा है। मैक्सिमम आपको 2 ईयर मिलेंगे, एक साल का डिप्लोमा है, 2 सेमेस्टर का ये डिप्लोमा है, एक साल का फुल टाइम कोर्स है ये, ठीक है। 2 सेमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया है और सिलेबस भी इन्होंने इसी में ऐड कर रखा है, इसका प्रॉस्पेक्टस भी आ चुका है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेशन सेमेस्टर 1 में रहेगा, ठीक है, और आपका सेमेस्टर 2 में रहेगा इंटरनेट एंड ओपन एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्स, ठीक है। तो ये आपका 2 सेमेस्टर का पूरा एक साल का डिप्लोमा है ये। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, ये एडमिशन इसके ओपन हो चुके हैं, नया कोर्स है बिल्कुल ये, थोड़ा देख लेते हैं और इसके बारे में। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन 28 अगस्त से शुरू हो चुके हैं इसके और लास्ट डेट जो रहेगा एडमिशन का 30 सितंबर रहेगा। ऑनलाइन एडमिशन फैकल्टी रहेगी इसकी। एडमिशन एलिजिबिलिटी इन्होंने बोला है कि इंडिया के ऑल ओवर कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन इज आल्सो ओपन टू द इंडियन नेशनल वर्किंग इन इंडियन मिशन अवार्ड एंड आल्सो द देयर डिपेंडेंट सब्जेक्ट टू अपेयरिंग द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट दिल्ली सेंटर ओनली। मतलब दिल्ली में इसके सेंटर आपको मिलेंगे, दिल्ली आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। कोई भी मिनिमम एज इसके लिए नहीं है, मतलब किसने भी आपकी एज हो आप इसके में एलिजिबल रहोगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है तो फॉरेन का हमें नहीं देखना है खैर, ठीक है। थोड़ा नीचे और देख लेते इसकी जानकारी। तो देखिए, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे एडमिशन के टाइम वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ 10th की सर्टिफिकेट की मार्कशीट और आपका 12th की सर्टिफिकेट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री आप लगा सकते हो, ब्लिस मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए, ग्रेजुएशन भी ग्रेजुएशन वाला भी कर सकते हैं, अगर आपका ब्लिस है ब्लिस भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी इसके लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। मिलिस वाला भी लगा सकता है, रीसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसे 3 कैटेगरी में डिपेंड किया गया, कैटेगरी ए इंडियन नेशनल हु आर रेजिडिंग इन इंडिया, कैटेगरी बी इंडियन नेशनल्स हु आर रेजिडिंग अवार्ड और स्टूडेंट हु बिलोंग द पर्सन विद डिसबिलिटीज, ठीक है। मतलब ए कैटेगरी उन स्टूडेंट के लिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी बी वो है जो इंडिया से बाहर रहते हैं, कैटेगरी सी वो है जो हैंडीकैप है, ठीक है। अब देखिए फीस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है ए कैटेगरी के लिए। मोस्टली ए कैटेगरी वाले जो इंडियन हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, फीस जो इसकी टोटल आपकी लगेगी 13,070 रुपये लगेगी एक साल की फीस दोनों सेमेस्टर की, ठीक है। 13,070 रुपये का एक कोर्स है आपका एक साल का। और कैटेगरी बी वाला आप बाहर से बिलोंग करते हो तो इसकी फीस आपकी जाएगी 6,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे बस, ठीक है।
कैटेगरी सी के लिए इन्होंने बोला है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट शैल बी गिवन कंसेंसस 75% ऑफ द टोटल फीस। ठीक है, मतलब 75% आपको कंसेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा बता रखा है अगर आप एडमिशन कैंसिल वगैरह कराते हो, ठीक है, तो ठीक है बस यही है। तो एडमिशन ओपन है, ये न्यू पीजी डिप्लोमा का कोर्स है, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।